हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, इंडसइंड बैंक, एक बैंक का शेयर जो कि प्राइवेट बैंक होते हुए काफ़ी तगड़ी गिरावट की मार झेल रहा था पिछले कुछ टाइम में, जहाँ पे ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इन सब ने खूब कमाई करी है, वहाँ पे इन्हीं का जो साथी शेयर है यानी कि इंडसइंड बैंक, उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। आज की डेट 9 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर को इसके क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। और आज की डेट में मार्केट में इस शेयर के प्राइस में ज़बरदस्त, मैं कहूँगा ताबड़तोड़ उछाल देखने को मिला। ऑल्दो आज आप देख रहे होंगे कि प्राइवेट बैंक के सारे शेयर्स में बढ़िया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन सबसे इस ग्रुप को जो लीड कर रहा था वो आज इंडसइंड बैंक था। मतलब सोया हुआ शेयर आज जाग रहा था। चलिए, क्या ऐसी क्या उम्मीदें जो है आपने सोची होंगी कि भाई आज भाई क्या हो गया इस शेयर को ऐसा। लेकिन अगर आपने आज देखा होगा तो मार्केट ने सेंसेक्स देखिए ऑलमोस्ट 650 पॉइंट के आसपास जंप किया और निफ्टी 180-190 पॉइंट के आसपास जंप किया। कई अनसर्टिनिटीज थी जो कि US चाइना ट्रेड फ्रंट पे की बात करो, जैसे अब चलता रहता है इनका ट्रेड वॉर, और अभी जैसे चाइना इंडिया की मीटिंग भी होने वाली है, तो इन सब चीज़ों का एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है शेयर मार्केट में सीधे सीधे, जहां पे प्राइवेट बैंकिंग के शेयर और जैसे कि HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, सब के सब इनमें बड़ी उछाल देखने को मिली, और खास करके इंडसइंड बैंक ने तो अच्छा खासा जंप देखने को मिला। एक नज़र देखते हैं स्टॉक को टेक्निकली, फंडामेंटली और आज के उछाल के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है ब्रोकरेज की इसके रिजल्ट से, उन बातों पर फोकस करते हैं इस छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए इंडसइंड बैंक का अगर आज का परफॉर्मेंस देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 1309 पे आके क्लोज हुआ है। लास्ट प्राइस जो है 1309 का है, 68 रुपीज का जंप, यानी कि 5-5.5% का यह जंप देखने को मिला। और ओवरऑल जो हाई आज इसने बनाया था 1319 का हाई बनाया था, ओपन 1241 पे जरूर हुआ था, लेकिन बड़ा जंप मैं कहूँगा। और लास्ट अगर आप देखें तो 2000 क्वांटिटी किसी ने खरीदने के लिए डाल रखी थी, वो अभी भी दिख रही है, मतलब बड़ा उछाल। अब एक नज़र देखते हैं स्टॉक की, अगर मैं बात करूँ कितनी ट्रेडिंग हुई, कितनी डिलीवरी हुई, तो देखिए ट्रेडिंग ज़्यादा हुई है, 18% की डिलीवरी देखने को मिली है शेयर में आज को, और 68,000 शेयर जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। चलिए भाई, ये तो अपडेट है, लेकिन हम इसके अलावा और चीज़ें आपको दिखाना चाहते हैं। निफ्टी बैंक को आज ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला पूरी निफ्टी बैंक के इंडेक्स में, और जिसमें ऑल्दो इसमें बड़े प्लेयर्स का मेजर रोल होता है। बड़े प्लेयर्स से मेरा मतलब है कि HDFC बैंक, जो कि अपने आप में 7 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये तीन बैंक बहुत बड़ा जो है हलचल पैदा कर देते हैं। जब ये चढ़ते हैं तो पूरा निफ्टी बैंक क्या निफ्टी भी उछल जाता है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है पूरे निफ्टी के इंडेक्स में। तो HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये तो जंप किए ही किए, लेकिन इंडसइंड बैंक ने भी बड़ा जंप आज की डेट में दिखाया। एक नज़र मैं स्टॉक के आपके हालात देख लेता हूँ कि किस हालातों से ये गुजर रहा है। फिलहाल देखिए आप फंडामेंटल, 90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया आज की डेट की उछाल के बाद। अगर मैं बात करूं इस स्टॉक के प्रॉफिट ग्रोथ की, पिछले 3 साल का एवरेज मुझे देखने को मिल रहा है 13%, PEG रेशियो 1.32 और सेल्स ग्रोथ 23%, ये बड़ी सेल्स ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे गिरवी रखे हुए शेयर्स जो हैं वो 26% है, जो इसमें एक नेगेटिव बात मुझे लगती है। अब स्टॉक के PE रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 24 के PE पे ट्रेड कर रहा है, और प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट देखूं अगर मैं पिछले कुछ क्वार्टर्स की, तो देखिए आप क्लियरली यहां पे देखिए कि जून में इसने 1432 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, और उससे पहले मार्च 2019 में 360 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, तो उससे पहले लास्ट ईयर जून में ये 1036 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार का जो उम्मीद माना जा रहा है प्रॉफिट का, वो ये देखिए आप, अ हेल्दी क्वार्टर टू लाइकली फॉर इंडसइंड बैंक। इस रीजन की वजह से आज शेयर में, ये सुबह सुबह ही अपडेट आ गई थी, जिसकी वजह से शेयर में बड़ा उछाल देखने को मिला। एसेट क्वालिटी विल बी क्लोजली वॉच्ड, मतलब किस तरीके से एसेट क्वालिटी अपनी दिखाता है। और इवन एडलविज सिक्योरिटीज ने तो एक्सपेक्ट ये किया है कि भाई 65% का कोर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे इंडसइंड बैंक दिखा सकता है, जो कि आएगा अपने पास 1520 करोड़ के आसपास। अगर मैं लास्ट ईयर के सितंबर क्वार्टर का डाटा देखूँ तो मात्र 920 करोड़ का है, और इस बार जो उम्मीद किया जा रहा है वो 1520 करोड़ का प्रॉफिट की उम्मीदें रखी जा रही है, एक्सपेक्टेशन। अब एक बात ध्यान रखें, ये तो सारी कैलकुलेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, लेकिन अगर ये नंबर कल इस हिसाब से नहीं आए तो मार्केट बिल्कुल धड़ाम हो सकती है, इंडसइंड बैंक का शेयर गिर सकता है अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये नहीं आता है तो।
फिलहाल अगर आप देखें यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि 29% के हिसाब से आपसे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से लोन ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भारत फाइनेंशियल का इंक्लूजन यहाँ पे किया है इंडसइंड बैंक ने अपने आप में, तो उसकी वजह से लोन ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ में एक स्ट्रॉन्गर साइड देखने को मिल सकती है। बहुत ही बढ़िया भाई। अब मोतीलाल ओसवाल ने तो भाई इंडसइंड बैंक को के इंटरेस्ट जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43.8% का जंप बता दिया, जो कि 3167 करोड़ के आसपास मान लिए भाई, जो कि पिछले साल कितनी थी 2200 करोड़। मतलब बड़ा जंप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे नेट मोतीलाल ओसवाल जी। बहुत बढ़िया भाई। और इवन इसमें जो एनपीए परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ सकती है ऐसा माना जा रहा है, जो लास्ट ईयर 1.1 थी इस बार 2.1 तक हो सकती है अब। और इवन ब्रोकरेज हाउस जो प्रभुदास लीलाधर हैं उन्होंने तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस उन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्ट की है भारत फाइनेंशियल के मर्जर के बाद। चलिए देखते हैं क्या इसमें क्या एक्सपेक्टेशन रहती है। फिलहाल जो प्रभुदास लीलाधर जी ने 66.5% की एक्सपेक्टेशन की है, यानी कि 1532 करोड़ के आसपास उन्होंने भी सोचा है कि इतना जंप ये करेगा। बहुत ही बढ़िया भाई। और मैं कहूँगा कि इस तरीके से जितने एनालिस्ट ने यहाँ पे जंप किया, मतलब एक्सपेक्टेशन रखी है, तो देखते हैं कि कितना आता है, एक ही दिन बचा है। और ऑल्दो इन सब एक्सपेक्टेशन के बाद शेयर में आज बड़ी बड़ी मात्रा में खरीदारी देखने को मिली है, बड़ा जंप देखने को मिला है, पॉजिटिविटी ज़्यादा देखने को मिली है। एक नज़र मैं आपको दिखाता हूँ इसके टेक्निकल, क्या शेयर कहाँ पर पहुँच गया है। ये देखिए, एक टाइम पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इसका हुआ करता था शेयर का। देखिए, एक लोअर चैनल था, एक अपर चैनल, एक लो चैनल, बिल्कुल चैनल में मूव करता था। एक बार चैनल के हाई को टच करने के बाद शेयर नीचे जरूर आया, लेकिन उसके बाद वापस ऊपर जा नहीं पाया। देखिए, जो लो है, जो हाई है, वो ऑलमोस्ट 2000 के लेवल से हाई बना के अभी रिसेंट में जो इसने लो बनाया वो 1200 के लेवल का लो बनाया। तो इतना बड़ा शेयर होने के बावजूद इतनी बड़ी गिरावट इसमें रही, जहाँ पे आपने देखा होगा पूरे बैंकिंग सेक्टर में अच्छा उछाल देखने को मिला। लेकिन इस स्टॉक में ऑल्दो जब यहाँ पे बात चली थी कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की, तो उसकी उसका रेस्पॉन्स अच्छा देखने को मिला था, और ये शेयर भी 1250 से सीधे 1550 तक पहुँच गया था। कितना, यानी कि 300 रुपये पर शेयर की कमाई यहाँ पे भी देखने को मिली थी। बाद में प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में ये शेयर वापस जो है इसने 1200 के आसपास का लो फिर बनाया। अब देखिए, पिछले 3-4 दिनों के अंदर इसमें धीरे धीरे पॉजिटिविटी के साथ आज बड़ी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने एक लॉन्ग टर्म की इस रेजिस्टेंस लाइन को पार करे, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो चल रहा है उसको पार करे, और 200 डे मूविंग एवरेज है इसको भी पार कर ले, तब एक स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है शेयर में। इस स्ट्रेंथ को पाने के लिए हमको यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम का टावर चाहिए, और वो बड़ा वॉल्यूम का टावर तभी आ सकता है। ऑल्दो तो थोड़ा सा वॉल्यूम जरूर देखने को मिला आज में, वो बड़ा वॉल्यूम का टावर तभी बन सकता है जब ये शेयर कल अच्छा रिजल्ट दे, जैसा कि एनालिस्ट ने एक्सपेक्ट किया है। अगर रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग आते हैं तो मुझे लगता है कि ये शेयर बहुत जल्द अपने इस 1500 1550 को लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। ऑल दो ये जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम कर रही है शेयर के लिए, बड़ी रुकावट यही है। एक बार इसको अच्छे से पार कर ले, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके पार करे जैसा कि इससे पहले भी 2-3 बार कर चुका है, बड़ी लेवल से इसको पार कर ले तब एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं हम शेयर में। फिलहाल अगर मैं आपको ऑप्शन चेन का आज का डेटा दिखाऊं तो कितनी पुट राइटिंग हो रही है। देखिए, पुट राइटिंग जो लेवल्स हैं वो आप आज की डेट में उछाल तो देखने को मिला, तो 3 लाख पुट राइटिंग यहाँ पे मुझे देख रही है 1200 के लेवल पे, और 202,62,000 ओपन इंटरेस्ट जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे 1100 के लेवल पे दिख रहे हैं, और ज़्यादा। अब क्या है कि कॉल राइटिंग, वो लोग जो बुलिश हैं, कॉल राइटिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, 5 लाख ओपन इंटरेस्ट पड़े हुए हैं कहाँ पे, 1400 के लेवल पे। तो मतलब एक्सपेक्टेशन, बुलिश लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, और 3 लाख ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़े हुए हैं 1450 पे। मतलब देखते हैं कि क्या ये इसी तरीके से जो बुलिश बायर्स हैं क्या वो इस तरीके से एक्टिव हो पाते हैं। अब कल के रिजल्ट के बाद सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिलहाल आपने ये क्या देखा, इंडसइंड बैंक के बारे में हमने बात करी, और इंडसइंड बैंक के शेयर में आज ताबड़तोड़ ऑलमोस्ट 6% के आसपास का उछाल देखने को मिला है। बाकी बैंक शेयर के कंपैरिजन में इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे तो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, अपनी 52 वीक हाई से कहो या फिर टॉप से कहो, तो काफ़ी नीचे ट्रेड ये कर रहा है। इसी रीजन की वजह से अगर आप सबके 52 वीक हाई देखें रिसेंट में, ये देखिए आप क्लियरली, HDFC बैंक बिल्कुल 52 वीक हाई के आसपास है, कोटक महिंद्रा बैंक,
आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, सारे ने बढ़िया ग्रोथ दिखाई थी। ओनली इंडसइंड बैंक रह गया जो बिल्कुल नीचे रह गया था। अब देखते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ पे इस बैंक के स्टॉक में भी एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिले कल के रिजल्ट के बाद। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या राय देते हैं इंडसइंड बैंक के बारे में, कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट के बारे में अगर आप चाहें देखिए, डेट 10 अक्टूबर 2019, कल इसका रिजल्ट आने वाला है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।